हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ में चैप्टर नंबर हम 13 कर रहे थे, घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 13.3 देखेंगे। एक्सरसाइज पूरी सॉल्व नहीं करेंगे, पर उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद ही कर पाएंगे ईजिली। तो बहुत सिंपल सी ईजी सी एक्सरसाइज है ये, तो इसको देखते हैं कैसे हमने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर बेसिकली जो हमने सीखना है, मेन एक ही चीज़ सीखनी है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप। बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली ऐसे लिखे जाएं तो बहुत लंबे लगते हैं देखने में, और उनको समझना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी या अर्थ सन से कितनी दूर है, तो हमारी धरती जो सूरज से दूर है वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। 15 करोड़ किलोमीटर इस तरह से लिखा जाता है। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है, इसमें ये 7 जीरोस आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको अगर हम मीटर में बात करें तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 3 जीरोस और आएंगी इसमें। तो ये 7 जीरोस थी, इसमें 3 और आ जाएंगी, इतना। तो अब इसे देखकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हम बात करें, अगर हमारी गैलेक्सी जो है आकाश गंगा मिल्की वे, उसमें तारे कितने हैं, तो वो 100 बिलियन है। 100 बिलियन, 100 बिलियन तारे, इतने। तो ये इतने स्टार्स, इनको यहाँ पर काउंट करना 100 बिलियन, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तो उनको इस तरह से देखकर, अब यहाँ पर इसको देखें, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो इनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मानक रूप, उसमें लिखें, यानी कि घात के रूप में लिखेंगे हम यहाँ पावर की फॉर्म में, तो उसमें समझना और इनको लिखना इजी हो जाता है। तो वो कैसे लिखते हैं वही हमने यहाँ पर देखना है, और उसी को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा, अगर पिछली क्लासेस में जो आपने प्रसारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा है उसको अगर हम देखें, तो वहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी इसको समझने। तो एक्सपेंडेड फॉर्म समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 2 7 5 6, और इसको आप इस तरह से करते थे 3, और उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट्स आ रही हैं इनके लिए जीरोस लगाते थे, 1 2 3 4, तो 4 times 0, इस तरह से 4 बार, प्लस नेक्स्ट 2, और उसके बाद 2 के बाद 3 जीरोस, प्लस 7 के बाद 0, प्लस 5 के बाद 1 बार 0, और 6 के बाद कोई 0 नहीं आएगी। ये प्लेस वैल्यू होती थी, स्थानीय मान वो लिखते थे। तो इसमें हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 जो है उसके साथ 3 into 10,000 आ रहा है, ये इसकी प्लेस वैल्यू 10,000, 10,000 है। जैसे हम बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 30,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू जो है वो 10,000 है, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 into 10,000। इसी तरह से 2,000 जो है इसको लिख सकते हैं 2 into 1,000। 7 को लिख सकते हैं 7 into 100, जितनी जीरो है बस वही जीरो लगा रहे हैं हम 1 के साथ। प्लस 50 को लिख सकते हैं 5 into 10, प्लस 6 को अकेला है तो 6 into 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 के साथ कोई जीरो नहीं आएगी। और इसी को हम अगर पावर में लिखें तो ये 10,000 जैसे हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 times 0 आ रहा है, 10 into 10 into 10 into 10, 10 आ रहा है 4 बार यहाँ पर, तब ये बन रहा है, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ पर ये 1,000 है, 10 की पावर 3, 100 को 10 की पावर 2, यहाँ पर ये 10 की पावर 1, और 6 में कुछ नहीं है, यहाँ पर ये 1 है, 10 की पावर 0, आप जानते हैं पावर 0 हो तो 1 बनता है, तो ये 6 इंटू 1 जो है ये 1 की जगह हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो पिछली क्लासेस में आपने इस तरह से लिखना सीखा है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, प्रसारित रूप में। अभी जो हम लिखना सीख रहे हैं वो इस तरह से, कि पावर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, घात के रूप में लिखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, इसी का प्रसारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हमने, ये 3 था, उसके बाद कितनी जीरो लगनी थी, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगनी थी तो 10 की पावर 4 लगा दी, 2 के साथ जीरो लगनी थी 3, तो 10 की पावर 3 लगा दी, तो एक एक पावर ये कम होती जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप।
उसके बाद मानक रूप हम थोड़ा बाद में देखेंगे। एक और एग्जांपल देखें इसका, 407362। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाली लाइन लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे और इनटू 10 की पावर देखेंगे, बस 4 के साथ 10 की पावर कितनी आएगी। तो 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं ये देखना है आपने, 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर 5 आ गई। फिर उसके बाद 0 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे, और 0 के साथ अगर लिखना चाहें तो 10 की पावर 1 2 3 4 आएगी। तो आप चाहें तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं ये वाला प्लस, क्योंकि 0 है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 7 नेक्स्ट, तो 7 के साथ 10 की पावर, अब तो आप जानते हैं 5 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 3 आएगी, फिर उसके बाद 7 के बाद है 3, उसके साथ 10 की पावर, तो उसके बाद दो ही डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 6, 6 × 10⁻¹, और उसके बाद प्लस 2 है, 2 × 10⁻¹। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप कैसे बनता है, 10 की पावर में बनता है। तो यहीं से आप जो है, ये जो बन रहा है एक एक पार्ट इसका, ये मानक रूप को शो कर रहा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो वहीं से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बननी है। इसका उल्टा भी आपको है एक्सरसाइज में, जहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिए हो और ये बनाना हो, नंबर आपको बनाना हो उसका सिंपल फॉर्म में, जैसे 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁴ प्लस 2 × 10⁵2 प्लस 3 × 10⁹ प्लस 9 × 10⁰. तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, पावर 5 वाला है ये, 5 के बाद 4 वाला कितना है, 4 है, 4 के बाद 3 वाला आना था, लेकिन 3 वाला तो नहीं है यहाँ, डायरेक्ट 2 है, तो 3 वाला कहाँ गया, तो उसके लिए 0 लगाएंगे। फिर 10⁻² वाला आ रहा है, वो आ रहा है 2, फिर उसके बाद 1 वाला वो है 3, और पावर 0 के साथ है 9। तो ये नंबर बन जाएगा, क्या किया, 5 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे बड़ी पावर यहाँ 5 आ रही है, उसके साथ है 3, ये लिखा हमने। फिर 4 वाला 4, फिर उसके बाद पावर 3 वाला नहीं है, घात 3 नहीं है यहाँ कहीं, तो उसके लिए हमने 0 लगा दिया। फिर उसके बाद 2 वाली पावर, तो उसके साथ है 2, फिर उस 2 के बाद 1 पावर, उसके साथ है 3, वो लिखा, और उसके बाद 0 वाला, उसके साथ है 9, तो वो 9 लिखा। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो ये है प्रसारित रूप। अब यहीं से हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। बहुत बड़ा नंबर, जैसे हम बात कर रहे थे 1500000000000, इतना, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 0 जो आ रही है, उसे हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, तो ये 15 × 10⁻ लिख सकते हैं। 10 की पावर कितनी, तो जितनी 0 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10 आ गई, 10^10। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप जो हम बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर 10 से छोटा रखना है आपने। तो इसको 10 से छोटा कैसे बनाना है, उसके लिए हम इसमें पॉइंट लगा सकते हैं बीच में। तो इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये 1.5 बन गया। 10 से इसको भाग कर दिया, यहाँ पर पॉइंट एक पीछे ले आए, तो यहाँ 10 से भाग कर दिया। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है एक बार 10 और आ जाएगा, तो 10 और आ गया, तो 10 की पावर 11 बन जाएगी। तो हमने पॉइंट को, पॉइंट जो कि यहाँ लास्ट में था, उस पॉइंट को यहाँ से उठाकर हमने यहाँ लगा दिया। कितना पीछे लेकर गए पॉइंट को, लास्ट में था पॉइंट, यहाँ तक लेकर गए, तो उसमें ये काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11, 11 प्लेस, 11 डिजिट्स पीछे लेकर गए, 11 अंक पीछे लेकर गए, तो इसलिए 10 की पावर 11 बन गई। तो इस तरह से आपने इसको करना है। एक और देख लें, जैसे इसका 3 2 7 6 0 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 0, इतना बड़ा एक नंबर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यही मानक रूप में। पॉइंट कहाँ है अभी, यहाँ लास्ट में है। इसको लेकर कहाँ जाना है, सिर्फ एक डिजिट के बाद यहाँ पर इस तरह से लगाना है, क्योंकि 2 के बाद लगाएंगे तो 32 बन जाएगा। हमने बोला 10 से छोटा रखना है, यानी कि सिर्फ एक डिजिट, एक अंक रखना है पॉइंट से पहले, तो यहाँ तक पहुँचाना है। तो कितना लेकर गए वो आपने देखना है, यहाँ तक हो गए ये 3 डिजिट्स, फिर उसके बाद 3, ये तो इस 3 के बाद आप कॉमा लगा लें, तो उससे भी आपको थोड़ा काउंटिंग ईजी हो जाएगी। तो ये 3 6 9 12 15 18, फिर 19, और ये 20, तो 3.276 ये आ गया, और उसके बाद 10 की पावर
ट्वेंटी ट्वेंटी काउंट किया आपने, यहाँ से आप इस पॉइंट को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, 20 बन रहे हैं यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से इसको हम मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी। तो इस तरह के नंबर्स आएंगे आपके पास बहुत बड़े बड़े, उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब हमने बात की थी ये कि ये जो है 15 करोड़ किलोमीटर, या उसमें आगे 3 जीरो लगाकर इतना मीटर, ये सन से अर्थ का डिस्टेंस है, तो इतना मीटर बन गया। इसको ऐसे पढ़ने के बजाय ऐसे पढ़ें तो देखने में पढ़ने में ईजी लग रहा है, 1.5 × 10^11 मीटर। अब ये भी कोई डिस्टेंस है, मान लो दो स्टार्स के बीच का, ये भी मीटर में है, तो यहीं से आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके लिए इस नंबर से ज़्यादा हम ध्यान नहीं देना, हमने ध्यान देना है पहले पावर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10^11 आ रही है और इसमें 10^20 आ रही है, तो यहीं से पता लग जाएगा ये एक ज़्यादा बड़ा नंबर है और ये छोटा है। लेकिन लिखने के लिए कितना ईजी हो गया, ऐसे और ये ऐसे, तो इस तरह से लिखना इजी हो जाता है और वहां से हम देख सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इस तरह से कंपैरिजन इजी हो जाता है। तो यही है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, आपने इसी तरह के जो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखना है। पहले शुरू में जो क्वेश्चन है उनमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की बात की गई है, तो आपने शुरू में वो करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म प्रसारित रूप फर्स्ट क्वेश्चन में ये है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, उसको आपने नॉर्मल फॉर्म बनानी है, नंबर फॉर्म, उसमें आपको प्रसारित रूप दिया हुआ है और संख्या में लिखना है उसको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आपके पास, इन दोनों में इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो इनको आपने इस तरह से ही करना है। उसमें से एक देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जे पार्ट हम देखें अभी। तो जे पार्ट में कहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट, इंडिया की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या दी है यहाँ पर मार्च 2001 में। तो मार्च 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी थी 1027, कॉमा भी लगे हुए हैं यहाँ, उससे पढ़ना इसको इजी हो जाएगा, 000 फिर 000। तो इतनी जनसंख्या थी भारत की 2001 में। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, पॉइंट कहाँ लगाना है आपने, एक डिजिट के बाद यहाँ पर, तो इस जगह पॉइंट लगाना है आपको, तो बन जाएगा 1.027। लास्ट की जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले भी देखा 1.027। अब साथ में 10^10 आनी है, 10^10 कितनी आनी है वो यहां से आपने काउंट करना है, यहां से यहां तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10^10 आ गई 9। बस ये आंसर यहां पर बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन का देखें यहाँ पर, थर्ड पार्ट, तो इसमें है 3, 1, 8, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाना है हमने इस जगह एक डिजिट के बाद, तो क्या बनेगा 3.1865, जहाँ तक जीरोस नहीं है वहाँ तक ही लिखना है, उसके बाद जीरोस हैं सारे वो छोड़ दिए, उसकी जगह 10^10 लिखनी है। कितनी, यहाँ से काउंट करके यहाँ तक, जहाँ तक हम पॉइंट लगा रहे हैं वहाँ तक काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10^9 आ गई। तो ये इसका आंसर बन गया। तो इस तरह के यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का, फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर इनकी बात करें। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले हमने पावर देखनी होती है, दोनों में पावर 9 आ रही है, तो यहाँ से लग रहा है सेम है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें हमने पॉइंट पहले 1 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 3 है, तो उससे ही पता लग गया कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इस तरह से कंपैरिजन भी ईजी हो जाता है नंबर्स के बीच। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज 13.3 जो है इसको आपने करना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।